भयान कल एपिसोड तीन डर की आंखें एक खौफनाक भूत की कहानी वह एक उमस भरी गर्मी की रात थी जब युवा जेक अपने शयन कक्ष के दरवाजे की चरमराहट से अचानक जाग गया जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और नींद के अवशेष दूर जा गिरे वह अपने बिस्तर के नीचे बैठे किसी व्यक्ति का वजन महसूस कर सकता था और उसका प्रारंभिक विचार यह था कि यह उसकी माँ थी जो उसकी जांच कर रही थी लेकिन जैसे ही जेक की आंखें अंधेरे में समायोजित हुई उसे एहसास हुआ कि यह उसकी माँ नहीं थी इसके बजाय उसकी मुलाकात वहाँ बैठे एक बिना आंख वाले लड़के उसकी ही उम्र के लगभग को देखकर हुई उसकी खाली कुर्सियाँ अंधेरे को भेदती दिख रही थी और जेक को अपनी रीढ़ की हड्डी में कम कम्पी महसूस हो रही थी बिना आँख वाले लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया और एक छोटा सा बक्सा उठाया जेक झिझक रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए वह धीरे धीरे बाहर पहुंचा उसकी उंगलियाँ डिब्बे से टकराते समय कांप रही थी लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता लड़का पीछे हट गया दे दो जेक ने कहा उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी फिर पलक झपकते ही लड़का गायब हो गया और अपने पीछे केवल उस जगह की धुंधली छाप छोड़ गया जहाँ वह बिस्तर पर बैठा था जेक वही बैठा रहा उसका दिल जोरों से धड़क रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने अभी अनुभव किया है वह सच है या केवल उसकी कल्पना की एक चाल है वह लेट गया और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि यह सब एक सपना था लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उस बिना आँख वाले लड़के की याद भूत की तरह उसे सताती रही घंटे बीत गए लेकिन जेक को नींद नहीं आई वह करवटे बदलता रहा और उस बिना आँख वाले लड़के की छवि उसके दिमाग में उभर आई आखिरकार जैसे ही भोर की पहली किरण उसकी खिड़की से छन आने लगी वह एक असहज नींद में सो गया जब जेक अगली सुबह जागा तो वह इस भावना से उबर नहीं पाया कि कुछ सही नहीं था पिछली रात की घटनाएं एक दूर की स्मृति की तरह लग रही थी लेकिन बेचैनी की भावना बनी हुई थी जब वह अपना दिन बिता रहा था तो उसने इसे एक तरफ धकेलने की कोशिश की लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उस पर नजर रखी जा रही है उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा था जेक खुद को रोक नहीं सका लेकिन उसे डर का एहसास हुआ जो उसके ऊपर हावी हो रहा था उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की खुद को कम्बल के नीचे छिपा लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह इस एहसास को हिला नहीं सका कि वह अकेला नहीं है और फिर जैसे ही वह सोने ही वाला था उसे यह महसूस हुआ अपने बिस्तर पर बैठे किसी व्यक्ति का वजन उसके नीचे गद्दे का सूक्ष्म बदलाव जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली उसका दिल तेजी से धड़कने लगा उसे डर था कि वह क्या देखेगा और वहाँ वहां बिना आंख वाला लड़का एक बार फिर अपने बिस्तर के नीचे बैठा था जेक की सांसें उसके गले में अटक गईं जब वह लड़के की खाली सॉकेट को घूर रहा था उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई आप कौन हैं जेक फुसफुसाया उसकी आवाज डर से कांप रही थी लड़के ने कुछ नहीं कहा केवल सामने रखे छोटे बक्से की ओर एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया जेक झिझक रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए लेकिन किसी चीज ने उसे आगे बढ़ने बक्सा लेने और यह देखने के लिए मजबूर किया कि अंदर क्या है जैसे ही उसकी उंगलियां डिब्बे की ठंडी धातु से टकराई जेक को अपने अंदर बिजली की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई वह हांफने लगा उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे जल गया हो और फिर ऐसे ही लड़का चला गया जेक ने अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए पलके झपकाई क्या यह सब एक सपना था या फिर कुछ और भी भयावह खेल चल रहा था वह कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा उस बेचैनी की भावना को हिलाने में असमर्थ रहा जो एक भारी कंबल की तरह उसके ऊपर हावी थी आखिरकार थकावट जीत गई और जे गहरी नींद में सो गया उसके मन में उस बिना आंख वाले लड़के की छवि कौंध गई लेकिन अपने सपनों में भी वह अपनी चेतना के परे छुपे हुए लड़के की उपस्थिति को महसूस कर सकता था और जैसे जैसे रात बीतती गई जेक आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या वह कभी उस बिना आँख वाले लड़के की भयावह निगाहों से मुक्त हो पाएगा उस भयानक रात को पाँच साल बीत चुके थे लेकिन उस बिना आँख वाले लड़के की याद अभी भी एक भूतिया फुसफुसाहट की तरह जेक के दिमाग में घूम रही थी उसने खुद को लगभग आश्वस्त कर लिया था कि यह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है जब तक कि एक और मुठभेड़ ने उसे अंदर तक हिला नहीं दिया वह एक आलसी दोपहर थी और जेक की प्रेमिका एम्मा होमवर्क करने के लिए आई थी अपना काम पूरा करने के बाद उसने एक झपकी लेने का फैसला किया जबकि वह अपने माता पिता के उसे लेने का इंतजार कर रही थी जेक ने उसे सोते हुए देखा और अपने ऊपर संतुष्टि की भावना महसूस की लेकिन उसकी शांति अल्पकालिक थी जब एमां अचानक उठ बैठी उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं उसने कमरे के उस कोने की ओर इशारा किया जहां दीवार छत से मिलती थी बोलते समय उसकी आवाज काप रही थी कोने में वह फुसफुसाई मैंने उसे देखा बिना आंखों वाला लड़का मुझे घूर रहा है जब जेक को उस बिना आंख वाले लड़के के साथ अपनी मुलाकात याद आई तो उसका खून ठंडा हो गया उसने एम्मा को उसकी घबराहट से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वह उसी स्थान पर अटकी हुई लग रही थी जहां उसने भूतिया प्रेत देखा था जब एम्मा अंततः इससे बाहर निकली तो वह स्पष्ट रूप से हिल गई थी उसने जेक को अपना अनुभव सुनाया और वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई ऐसा लग रहा था कि बिना आंखों वाला लड़का उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। जैसे-जैसे शाम गई, जेक उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसके ऊपर हावी थी वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या बिना आंखों वाला लड़का अभी भी उनकी नजरों से ओझल होकर उन्हें देख रहा था उस रात जब जेक बिस्तर पर लेटा था तो वह इस एहसास से उबर नहीं पाया कि कुछ गड़बड़ है वह करवटे बदलता रहा कोई आरामदायक स्थिति पाने में असमर्थ रहा उसका दिमाग उस बिना आँख वाले लड़के के विचारों से घूमता रहा और फिर जैसे ही वह सोने ही वाला था उसने यह सुना कमरे के कोने से जहाँ एम्मा ने बिना आंख वाले लड़के को देखा था हल्की खरोचने की आवाज आई जैसे ही जेक ने सुनने के लिए दबाव डाला उसका दिल तेजी से धड़कने लगा हर गुजरते पल के साथ आवाज तेज और अधिक तीव्र होती जा रही थी वह जांच करने के लिए उठना चाहता था लेकिन भय की भावना ने उसे वहीं पर रोके रखा वह डर के मारे स्तब्ध होकर वहीं पड़ा रहा जैसे जैसे खरोचने की आवाज़ तेज होती गई यहाँ तक कि ऐसा महसूस हुआ कि यह उसके सिर के अंदर गूंज रही थी और फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ था खुजलाना बंद हो गया जेक वहाँ लेटा हुआ था उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए उसने अपनी नाइट स्टैंड पर लगी घड़ी पर नजर डाली जिस पर नंबर अंधेरे में धुंधले से चमक रहे थे आधी रात हो चुकी थी और जेक को पता था कि उसे आज रात नींद नहीं आएगी जब वह वहाँ लेटा हुआ था अपनी सासों की आवाज सुनकर जेक इस एहसास से उबर नहीं सका कि उसे देखा जा रहा है उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई उसकी आंखें एक छाया से दूसरी छाया तक घूमती रहीं, उस बिना आँख वाले लड़के का कोई संकेत ढूंढती रहीं। लेकिन कमरा खाली था केवल जेक और पर्दों से छनकर आती चांदनी की हल्की चमक को छोड़कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली खुद को आराम करने के लिए तैयार किया लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो वह उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो घने कोहरे की तरह उसके ऊपर छा गई थी घंटे बीत गए लेकिन जेक को नींद नहीं आई वह वहीं लेटा हुआ था उसके दिमाग में उस बिना आंख वाले लड़के के बारे में विचार दौड़ रहे थे आखिरकार जैसे ही सुबह की पहली किरण उसकी खिड़की से छन आने लगी वह एक असहज नींद में सो गया अगली सुबह जब वह जागा तो जेक को ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल भी सोया नहीं है वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ उसका शरीर भारी और सुस्त लग रहा था मानो पिछली रात की घटनाओं के बोझ से दबा हुआ हो उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई उसे छाया में छुपे बिना आंख वाले लड़के को देखने की उम्मीद थी लेकिन कमरा खाली था खिड़की से आ रही सुबह की हल्की रोशनी को छोड़कर जेक ने अपना सिर हिलाया नींद के कोहरे को दूर करने की कोशिश की जो अभी भी उसके दिमाग में छाया हुआ था उसे आने वाले दिन के लिए तैयार होने पिछली रात की घटनाओं को पीछे छोड़ने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह इस एहसास को हिला नहीं सका कि बिना आंखों वाला लड़का अभी भी वहाँ था देख रहा था और इंतजार कर रहा था उसकी खाली जेबे एक द्वेशपूर्ण ऊर्जा से भरी हुई थी जो सीधे जेक की आत्मा में छेद कर रही थी जैसे ही वह स्कूल के लिए तैयार हुआ जेक यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या वह कभी उस बिना आंख वाले लड़के की डरावनी निगाहों से बच पाएगा या शायद उसकी किस्मत में लिखा था कि वह अपने शेष दिनों में उस भयानक मुठभेड़ की याद से परेशान रहेगा जैसे जैसे समय बीतता गया जेक और एम्मा का रिश्ता खिलता गया और वे अंत जेक के बचपन के घर में चले गए जहां उस बिना आँख वाले लड़के की याद अभी भी रात में छाया की तरह घूमती थी लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता जब उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व एक बार फिर बाधित हो गया उनकी बेटी लिली सिर्फ दो साल की थी जब अजीब चीजें होने लगी हर रात घड़ी की सुइयों की तरह वह उठती और अपने कमरे में किसी न किसी से बात करना शुरू कर देती जेक और एम्मा ने पहले इसे एक बच्चे की अति सक्रिय कल्पना के रूप में खारिज कर दिया लेकिन जैसे जैसे लिली की बातचीत अधिक होने लगी वे जेक की खुद की मुठभेड़ के साथ भयानक समानताओं को नजरअंदाज नहीं कर सके एक रात अपनी जिज्ञासा का विरोध करने में असमर्थ जेक ने लिली से पूछने का फैसला किया कि वह किससे बात कर रही थी उसके जवाब से उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। यह एक छोटा लड़का है लिली ने कहा उसकी आवाज मासूम लेकिन उदासी से भरी हुई थी वह खो गया है और अपनी माँ की तलाश कर रहा है जेक और एम्मा ने एक दूसरे पर घबराई हुई नजर डाली उनका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था क्या यह बिना आँख वाला लड़का हो सकता है रात्रिकालीन बातचीत तब तक जारी रही जब तक कि जेक और एम्मा ने अंतः घर से बाहर निकलकर अपने स्थान पर जाने का निर्णय नहीं ले लिया हर बातचीत पिछली बातचीत से भी अधिक परेशान करने वाली थी लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस बिना आंखों वाले लड़के की कुछ और ही योजनाएं थी उनके नए घर में स्थानांतरण एक व्यस्त मामला था जिसमें स्थानांतरित किए जाने वाले बक्से और फर्नीचर भरे हुए थे लेकिन जैसे ही जेक और एम्मा अपने नए परिवेश में बस गए वे उस राहत की भावना को हिला नहीं सके जो उनके ऊपर आई थी आखिरकार उन्होंने सोचा कि वे उस बिना आंख वाले लड़के की याद अपने पीछे छोड़ सकते हैं। लिली भी अपने नए घर में खुशहाल लग रही थी वह रात भर गहरी नींद सोती रही रहस्यमय छोटे लड़के के साथ उसकी बातचीत अतीत की बात हो गई। जेक और एम्मा ने राहत की सांस ली आश्वस्त हो गए कि वे अंतता अलौकिक के चंगुल से बच गए हैं। अपने नए घर में जाना जेक एम्मा और लिली के लिए एक नई शुरुआत माना जाता था उन्हें उम्मीद थी कि उस बिना आँख वाले लड़के की यादों को पीछे छोड़ने से उन्हें शांति और शांति मिलेगी लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनका नया घर एक शांत सड़क के अंत में बसा एक अनोखा दो मंजिला घर था। इसमें एक स्वागत योग्य सामने बरामदा और एक विशाल पिछवाड़ा था जहां लिली खेल सकती थी अंदर कमरे उज्जवल और हवादार थे खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी जैसे ही जेक और एम्मा ने अपना सामान खोला वे अपने नए जीवन के बारे में उत्साह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके उन्होंने रसोई की मेज के आसपास पारिवारिक रात्रि भोज पिछवाड़े में आलसी दोपहर और लिली के आरामदायक बेडरूम में सोने के समय की कहानियों की कल्पना की लेकिन जैसे ही उनके नए घर में पहली रात सूरज डूबने लगा जेक और एम्मा में बेचैनी की भावना घर कर गई। परछाइयां लंबी होने लगी और घर अचानक दिन के उजाले की तुलना में बहुत बड़ा और अधिक अशुभ लगने लगा यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह हमारी पहली रात है एम्मा ने जेक की तरह खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा हमें इसकी आदत हो जाएगी लेकिन वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे देखे जाने नजरों से ओझल किसी चीज के होने के एहसास से बच नहीं सकते उस रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे जेक और एम्मा को सोने में कठिनाई हो रही थी फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट और खिड़कियों से टकराने वाली हवा का हर झोंका उनकी नसों को उत्तेजित कर रहा था मैं लिली को देखने जाऊंगा जेक ने अचानक कहा अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था एम्मा ने ध्यान भटकाने के लिए आभारी होकर सिर हिलाया उसने देखा कि जेक बिस्तर से फिसल गया और गलियारे से नीचे लिली के कमरे की ओर चला गया वह ध्यान से सुनती रही किसी भी ऐसी आवाज को सुनने के लिए तनावग्रस्त रही जो परेशानी का संकेत दे सकती थी लेकिन उसने लिली से बात करते समय जेक की धीमी आवाज में बड़बड़ाहट और जवाब में उनकी बेटी की धीमी हंसी सुनी एम्मा अपने ऊपर राहत की अनुभूति महसूस करते हुए मन ही मन मुस्कुराई शायद आखिरकार सब ठीक हो जाएगा लेकिन जैसे ही जेक अपने कमरे में लौटा और बिस्तर पर वापस गया एम्मा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कुछ गड़बड़ है वह वहां लेटी हुई थी छत की ओर देख रही थी उसके मन में उस बिना आंख वाले लड़के और उस भूतिया उपस्थिति के विचार दौड़ रहे थे जो उनके पुराने घर से उनका पीछा कर रहा था और फिर जैसे ही वह सोने ही वाली थी उसने यह सुना एक धीमी फुसफुसाहट जो उसकी अपनी सांसों की आवाज पर बमुश्किल सुनाई देती थी एम्मा ठिठक गई उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा वह सुनने के लिए तनावग्रस्त थी उसके कान किसी भी ऐसी ध्वनि को पकड़ने के लिए तैयार थे जो खतरे का संकेत दे सकती थी और फिर उसने इसे दोबारा सुना। हर गुजरते पल के साथ फुसफुसाहट तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती जाती है माँ उसने कहा आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी बिस्तर पर बैठते ही एम्मा का खून ठंडा हो गया उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसने जेक की ओर देखा लेकिन वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था कमरे में गूंज रही फुसफुसाहट की आवाज से बेखबर। पर माँ आवाज ने फिर कहा इस बार करीब जैसे ही एम्मा ने बिस्तर के नीचे की ओर देखा तो उसकी सांसें अटक गई वहाँ अंधेरे में बिना आँख वाले लड़के की अचूक आकृति खड़ी थी वह चिल्लाना चाहती थी जेक को जगाना चाहती थी और कमरे से भाग जाना चाहती थी लेकिन पक्षाघात की भावना ने उसे वहीं जकड़े रखा वह केवल भयभीत होकर देखती रह गई जब वह बिना आंखों वाला लड़का करीब आ गया उसकी खाली सॉकेट एक भयानक तीव्रता के साथ उस पर टिकी हुई थी और फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुआ था बिना आंख वाला लड़का गायब हो गया और रेम्मा को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया वह वहीं पड़ी रही डर से कांप रही थी हिलने हिलने-डलने में असमर्थ थी क्योंकि रात की घटनाएं उसके दिमाग में दोबारा घूम रही थी वह विश्वास करना चाहती थी कि यह सब एक सपना था उसकी अति सक्रिय कल्पना की एक चाल थी लेकिन अंदर ही अंदर वह सच्चाई जानती थी वह बिना आंख वाला लड़का असली था और वह उनके पीछे पीछे उनके नए घर तक गया था अगली सुबह एम्मा ने अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करते हुए पिछली रात की घटनाओं को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की उसने लिली के लिए नाश्ता बनाया उसे डेकेर के लिए तैयार होने में मदद की और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ सामान्य था लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी जो काले बादल की तरह उसके ऊपर छा गई थी ऐसा लग रहा था कि हर छाया उस बिना आंख वाले लड़के की वापसी का वादा कर रही थी और हवा की हर फुसफुसाहट खतरे का संकेत थी जैसे जैसे दिन ढलता गया एम्मा की नसें खराब होने लगी वह हल्की सी आहट पर उछल पड़ी उसके मन में उस बिना आंख वाले लड़के और उसके द्वारा उनके जीवन में लाए गए आतंक के विचार आने लगे जब जेक उस शाम काम से घर लौटा तो एम्मा रसोई में उसका इंतजार कर रही थी उन दोनों पर एक एक गिलास वाइन डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे हमें बात करने की जरूरत है उसने कहा उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी जेक की भौहे चिंता से सिकुड़ गईं। क्या गलत एम्मा ने एक गहरी सांस ली और खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि वह क्या कहने वाली थी मैंने उसे देखा उसने आखिरकार कहा वह बिना आँख वाला लड़का वह कल रात हमारे कमरे में था जेक की आंखें सदमे से फैल गईं। क्या आप गंभीर हैं? उसका मन अविश्वास से हिल उठा वह आंखहीन लड़का यहाँ उनका पीछा कैसे कर सकता था क्या उसकी भयावह उपस्थिति से कोई बच नहीं सका एमा ने सिर हिलाया उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था मुझे पता है कि यह पागलपन जैसा लगता है लेकिन मैंने उसे देखा वह हमारे बिस्तर के नीचे खड़ा था बस मुझे देख रहा था जेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया उसका स्पर्श गर्म और आश्वस्त करने वाला था हम इसका पता लगा लेंगे उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी आवाज में कहा हम पता लगाएंगे कि वह कौन है और यहाँ क्यों है और हम उसे छोड़ देंगे लेकिन अंदर ही अंदर एम्मा उस डर की भावना को दूर नहीं कर सकी जो दम घुटने वाले कंबल की तरह उसके ऊपर हावी हो गई थी वह जानती थी कि उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं और जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल जाता उस बिना आँख वाले लड़के की उपस्थिति उन्हें परेशान करती रहेगी और इसलिए जब वे वहाँ अपनी रसोई की मंद रोशनी में बैठे थे एम्मा और जेक ने बिना आँखों वाले लड़के का सामना करने के लिए एक समझौता किया चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े वे नहीं जानते थे कि वे यह कैसे करेंगे या रास्ते में उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन एक बात निश्चित थी वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे बिना आँख वाले लड़के को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल नहीं देते अपने नए घर में एम्मा की उस बिना आँख वाले लड़के के साथ परेशान करने वाली मुलाकात को कई हफ्ते बीत गए सामान्य जीवन जारी रखने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भयावा उपस्थिति से उत्पन्न भय की छाया घने कोहरे की तरह जेक और एम्मा पर छाई रही फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट और उनकी आँखों के कोने में होने वाली हरकत की हर झिलमिलाहट उनकी रीढ़ में सहरन पैदा कर देती थी जैसे जैसे दिन रात में बदल गए उनका शांतिपूर्ण घर भय और अनिश्चितता का युद्ध क्षेत्र बन गया लिली स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए बहुत छोटी थी खेलना और हंसना जारी रखा जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था उस आतंक से बेक पर जो उसकी धारणा के ठीक परे छिपा हुआ था लेकिन जेक और एम्मा जानते थे कि वे उससे हमेशा सच्चाई छिपा नहीं सकते उन्हें उस बिना आँख वाले लड़के का सामना करने और उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी और इसलिए वे उसकी उपस्थिति के आसपास के रहस्यों की गहराई में जाने लगे किसी ऐसे सुराग की तलाश करने लगे जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके उनकी खोज उन्हें अनिश्चितता के घुमावदार रास्ते पर ले गई क्योंकि उन्होंने उत्तर की तलाश में पुराने रिकॉर्ड और अभिलेखागार को फिर से खंगाला उन्होंने पड़ोसियों और स्थानीय इतिहासकारों से बात की इस उम्मीद में कि शायद कोई उस रहस्यमय आकृति पर कुछ प्रकाश डाल सके जो उनके हर जागते पल को परेशान करती थी लेकिन जितना अधिक उन्होंने खोजा सत्य उतना ही अधिक मायावी होता गया किसी ऐसे लड़के का कोई रिकॉर्ड नहीं था जो बिना आँख वाले लड़के के विवरण से मेल खाता हो और किसी ऐसे व्यक्ति का भी कोई उल्लेख नहीं था जो अपने नए घर में मर गया हो ऐसा लगता था मानो वह हवा से ही अस्तित्व में आया हो समय के साथ उसकी उत्पत्ति लुप्त हो गई हो निराश और हताश जेक और एम्मा ने उत्तर की खोज में अधिक अपरंपरागत तरीकों की ओर रुख किया उन्होंने मनोवैज्ञानिकों और माध्यमों से परामर्श किया यह आशा करते हुए कि आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा कोई व्यक्ति उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम हो सकता है लेकिन उन्हें जो उत्तर मिले उन्होंने रहस्य को और गहराने का ही काम किया कुछ लोगों ने दावा किया कि वह बिना आंखों वाला लड़का एक खोई हुई आत्मा थी जो जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच फंसी हुई थी दूसरों ने सुझाव दिया कि वह एक दुष्ट संस्था थी जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उनके घर की ओर खींची गई थी हर गुजरते दिन के साथ उनके घर में तनाव और गहरा होता गया जब तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे इसके बोझ के नीचे घुट रहे थे जेक और एम्मा की खुशहाल जिंदगी उस बिना आंखों वाले लड़के की मौजूदगी से बिखर गई थी और वे जानते थे कि वे हमेशा इस तरह नहीं चल सकते और फिर एक रात जब वे सोने में असमर्थ होकर बिस्तर पर लेटे थे उन्होंने यह सुना एक धीमी फुसफुसाहट जो उनकी अपनी सांसों की आवाज पर बमुश्किल सुनाई देती है जब एम्मा बिस्तर पर बैठी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने जेक की ओर देखा लेकिन वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था उसकी सांसें स्थिर और स्थिर थी इस बार फुसफुसाहट फिर से करीब आई और एम्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई वह चिल्लाना चाहती थी जेक को जगाना चाहती थी और कमरे से भाग जाना चाहती थी लेकिन पक्षाघात की भावना ने उसे वहीं जकड़े रखा और फिर अचानक उसने उसे देखा वह बिना आंखों वाला लड़का उनके बिस्तर के नीचे खड़ा था उसकी खाली कुर्सिया भयावह तीव्रता के साथ उस पर टिकी हुई थी एम्मा की सांसें उसके गले में अटक गईं। जब उसने अपने सामने प्रेत को देखा वह उसकी निगाहों का बोझ और उसकी उपस्थिति की ठंडक को दम घुटने वाले कंबल की तरह अपने ऊपर दबाती हुई महसूस कर सकती थी और फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुआ था बिना आंख वाला लड़का गायब हो गया और रेम्मा को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया वह डर से कापती हुई वहीं बैठी रही हिलने डुलने में असमर्थ थी क्योंकि रात की घटनाएं उसके दिमाग में दोबारा घूम रही थी वह जानती थी कि उन्हें जेक को यह बताने की जरूरत है कि उनकी स्थिति की वास्तविकता का सामना करने के लिए क्या हुआ था लेकिन उसका एक हिस्सा इस बात से डरता था कि वह क्या कह सकता है लेकिन जब उसने उसे अपने पास लेटे हुए देखा उसका चेहरा नींद में शांत था तो उसे पता चला कि वह अब उससे सच्चाई नहीं छिपा सकती वह आगे बढ़ी और धीरे से उसका कंधा हिलाया उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी जेक, उसने कहा उसकी आवाज डर से कांप रही थी जेक उठो जेक में हड़कंप मच गया उसकी आंखें खुल गईं। यह क्या है उसने पूछा उसकी आवाज नींद से डूबी हुई थी एम्मा ने एक गहरी सांस ली और खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि वह क्या कहने वाली थी मैंने उसे देखा उसने आखिरकार कहा वह बिना आंख वाला लड़का वह फिर से हमारे कमरे में था जैसे ही वह बैठा जेक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, उसकी निगाहें अंधेरे पर नजर डाल रही थी कहाँ है वह उसने पूछा उसकी आवाज आग्रह से भरी थी वह अब चला गया है एम्मा ने उत्तर दिया उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी लेकिन वह यही था मैंने उसे देखा जेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया उसका स्पर्श गर्म और आश्वस्त करने वाला था हम इसका पता लगा लेंगे उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी आवाज में कहा हम पता लगाएंगे कि वह कौन है और यहाँ क्यों है और हम उसे छोड़ देंगे लेकिन अंदर ही अंदर एम्मा उस डर की भावना को हिला नहीं सकी जो एक भारी बोझ की तरह उसके ऊपर हावी हो गई थी वह जानती थी कि उनकी परेशानियाँ अभी खत्म नहीं हुई हैं और जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल जाता उस बिना आंख वाले लड़के की उपस्थिति उन्हें परेशान करती रहेगी और इसलिए जब वे वहाँ अंधेरे में बैठे थे एम्मा और जेक ने बिना आँखों वाले लड़के का सामना करने के लिए एक समझौता किया चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े वे नहीं जानते थे कि वे यह कैसे करेंगे या रास्ते में उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन एक बात निश्चित थी वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे बिना आंख वाले लड़के को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल नहीं देते सुबह का सूरज पर्दों से छनकर उस छोटे शहर पर गर्म चमक बिखेर रहा था जहाँ जेक और एम्मा रहते थे यह किसी भी अन्य दिन की तरह ही एक दिन था फिर भी पिछली रात की घटनाएं अभी भी उनके दिमाग पर भारी थी उन्होंने उस बिना आँख वाले लड़के को एक बार फिर से देखा था उसकी भयावह उपस्थिति उस अंधेरे की लगातार याद दिलाती थी जो उनकी धारणा के ठीक परे छिपा हुआ था जैसे ही वे नाश्ते के लिए बैठे उनके विचार उस बिना आंख वाले लड़के के रहस्य और समाधान खोजने की बेताब इच्छा में डूब गए लेकिन जैसे ही उन्होंने आने वाले दिन के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा की दरवाजे पर एक दस्तक ने उनकी बातचीत में बाधा डाल दी एम्मा ने जेक की ओर देखा उसकी भौहें असमंजस से सिकुड़ गईं। उनके लिए सुबह इतनी जल्दी आगंतुकों का आना असामान्य था खासकर कार्य दिवस पर। जेक में से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था वह निश्चित नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए लेकिन उसे लग रहा था कि जो कोई भी उस दरवाजे के दूसरी तरफ होगा उसके पास उस बिना आंख वाले लड़के के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकती है जैसे ही उसने दरवाजा खोला जेक ने खुद को एक अजनबी के साथ आमने सामने पाया वह एक लंबा आदमी था उसका पुराना चेहरा और दयालु मुस्कान थी उसकी आँखों में गर्मजोशी थी जो जेक को सहज महसूस कराती थी सुप्रभात उस आदमी ने कहा उसकी आवाज दोस्ताना लेकिन रहस्य की झलक से भरी हुई थी मेरा नाम सैमुअल है मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपसे और आपकी पत्नी से बात कर सकता हूँ जेक ने पीछे मुड़कर एम्मा की ओर देखा जो उसके पास खड़ी थी उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से भरी थी बेशक उसने सैमुअल को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंचे सैमुअल सोफे पर बैठ गया उसकी आंखें दिलचस्पी से कमरे को देख रही थी ऐसा लग रहा था कि वह हर विवरण को ध्यान से देख रहा था जैसे कि वह कोई ऐसी चीज खोज रहा हो जिसे केवल वह ही देख सकता हो मुझे आशा है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ सैमुअल ने कहा उसकी आवाज नरम लेकिन उद्देश्य से भरी हुई थी लेकिन मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि आप दोनों परेशान लग रहे हैं जेक और एम्मा ने घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाली उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे उन्होंने बिना आंख वाले लड़के के साथ अपनी मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताया था उन्हें डर था कि उन्हें पागल या भ्रमित समझकर खारिज कर दिया जाएगा लेकिन सैमुअल के बारे में कुछ ऐसा था जो उन्हें सहज महसूस कराता था एक समझ की भावना जो एक आरामदायक कंबल की तरह उनमें से निकलती हुई प्रतीत होती थी हाल ही में हमें कुछ अजीब अनुभव हो रहे हैं एम्मा ने आखिरकार कहा उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी हमारे घर में कुछ है कुछ अलौकिक सैमुअल ने सिर हिलाया उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी उन्होंने कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं वह हूँ जिसे आप संवेदनशील कह सकते हैं मेरे पास उन चीजों को देखने का उपहार है जो दूसरे नहीं देख सकते जेक और एम्मा ने एक दूसरे पर आश्चर्यचकित नजर डाली उन्होंने पहले मनोविज्ञानियों और माध्यमों के बारे में सुना था लेकिन वे कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जिसने ऐसी क्षमताओं का दावा किया हो आपका क्या मतलब है जेक ने पूछा उसकी जिज्ञासा बढ़ी सैमुअल ने एक गहरी सांस ली मानो अपने विचार एकत्र कर रहा हो मुझे विश्वास है कि आपका घर प्रेतवाधित है उन्होंने अंत कहा। लेकिन सिर्फ किसी आत्मा से नहीं छाया में कुछ अंधेरा और द्वेषपूर्ण छिपा हुआ है कुछ ऐसा जो आसपास के लोगों के डर और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है सैमुअल के शब्दों से जेक और एम्मा का खून ठंडा हो गया ऐसा लग रहा था मानो उसने वही बात शब्दों में बया कर दी हो जो कई हफ्तों से उनके दिमाग में घूम रही थी हम क्या कर सकते हैं? एम्मा ने डर से कापती आवाज में पूछा सैमुअल आगे की ओर झुका उसकी आंखें उन पर इतनी तीव्रता से टिकी कि उनकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। आपको आत्मा का डटकर सामना करना चाहिए उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ अपनी आवाज में कहा तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम भयभीत नहीं हो कि तुम उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होगे। जेक और एम्मा ने एक दूसरे पर घबराई हुई नजर डाली उस बिना आंख वाले लड़के का सामना करने से वे डर रहे थे लेकिन अगर उसकी प्रेतवाधित उपस्थिति से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका था तो वे कुछ भी करने को तैयार थे हम इसे कैसे करते हैं जेक ने पूछा उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी सैमुअल मुस्कुराया उसकी आंखों में चमक थी उन्होंने कहा आपको एक सत्र आयोजित करना होगा उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करें जो आपके सबसे करीब हैं, जो आपकी जरूरत के समय में आपका समर्थन करेंगे साथ मिलकर आप सकारात्मक ऊर्जा का अवरोध पैदा कर सकते हैं जो आत्मा को दूर कर देगा जेक और एम्मा ने सैमुअल के मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर सिर हिलाया उन्होंने पहले कभी भी सेंस का आयोजन नहीं किया था लेकिन अगर बिना आँख वाले लड़के को अपने जीवन से निकालने का यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका था तो वे इसे आजमाने को तैयार थे धन्यवाद एम्मा ने कहा उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी हमसे मिलने आने के लिए धन्यवाद सैमुअल ने सिर हिलाया अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा याद रखें, उन्होंने दरवाजे पर रुककर उन्हें पीछे मुडकर देखने के लिए कहा आप जितना जानते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपके पास इस अंधेरे को दूर करने अपने घर और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने की शक्ति है और इसके साथ ही वह चला गया और जेक और एम्मा को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया जैसे ही वे सत्र के लिए अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए बैठे उनमें दृढ़ संकल्प की भावना आ गई। वे जानते थे कि उनके सामने एक लंबी सड़क है जो अनिश्चितता और खतरे से भरी है लेकिन अगर इसका मतलब अंतः शांति पाना है तो वे इसका डटकर सामना करने को तैयार थे और इसलिए जैसे ही दूसरे दिन सूरज डूबने लगा जेक और एम्मा ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात की तैयारी की वे अपने सबसे करीबी दोस्तों और परिवार के पास पहुँचे और उन्हें एक सेशन के लिए इकट्ठा किया जो उनके घर के भाग्य और उनकी विवेकशीलता का निर्धारण करेगा जब वे अपने लिविंग रूम में टिमटिमाती मोमबत्तियों और चांदनी की नरम चमक से घिरे हुए एक घेरे में बैठे थे तो उन्हें अपने ऊपर एकता की भावना महसूस हुई वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं थे अब और नहीं साथ मिलकर वे उस अंधेरे का सामना करेंगे जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था और दूसरी तरफ विजय होंगे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़े उन्हें अपने माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प की एक लहर जो उनके बीच से अंधेरे को दूर कर रही थी और फिर जैसे अचानक यह शुरू हुआ था यह खत्म हो गया बिना आँख वाला लड़का चला गया उनकी भयावह उपस्थिति को उनके प्रेम और एकता की शक्ति से परास्त कर दिया गया जेक और एम्मा ने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा उन्हें एक गर्म आलिंगन की तरह राहत की अनुभूति महसूस हुई जो अंधेरा एक समय उन्हें घेरे हुए था वह दूर हो गया था उसकी जगह हल्कापन और आजादी का एहसास आया जिसे उन्होंने कई महीनों से महसूस नहीं किया था जैसे ही उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को गले लगाया उनके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे उन्हें पता चला कि आखिरकार उन्हें शांति मिल गई है बिना आंखों वाला लड़का चला गया लेकिन उनके संघर्ष की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी उस ताकत और लचीलेपन की याद दिलाती रहेंगी जो उन्हें सबसे अंधेरे समय में ले आई थी और जब वे उस रात सोने लगे तो उनके दिल कृतज्ञता और आशा से भर गए उन्हें पता था कि वे छाया से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे हैं और भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक साफ साफ सुबह में सूरज उगाया जिससे उस शहर पर सुनहरा रंग छा गया एम्मा और लिली रहते थे यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत थी और जब वे अपनी आरामदायक रसोई में नाश्ते के लिए बैठे तो उन्हें एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह आशावाद की भावना महसूस हुई पिछले कुछ हफ्तों की घटनाएं एक दूर की स्मृति की तरह लग रही थी जो उनके घर में शांति और शांति की नई भावना से ढकी हुई थी उनके प्रेम और एकता की शक्ति से उनके जीवन से वह नेत्रहीन लड़का गायब हो गया और वे अंधकार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प थे जैसे ही उन्होंने अपना नाश्ता खाया जेक और एम्मा एक दूसरे को देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सके उनके दिल उन्हें दिए गए आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भर गए लिली उनके बीच बैठी खिलखिला रही थी और बातें कर रही थी उसकी मासूमियत जीवन की सुंदरता और आश्चर्य की लगातार याद दिलाती थी नाश्ते के बाद वे आने वाले दिन के लिए तैयार हो गए प्रत्येक उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना से भर गया जे काम पर चला गया उसका दिमाग भविष्य की योजनाओं और विचारों से गूंज रहा था जबकि एम्मा अपनी बेटी के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के अवसर का आनंद लेते हुए लिली के साथ घर पर रही जब वे पिछवाड़े में एक साथ खेलते थे तो एम्मा लिली को तितलियों के पीछे भागते और बगीचे से फूल तोड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाती थी यह ऐसे क्षण थे जिन्होंने अतीत के सभी संघर्षों और कठिनाइयों को महत्वहीन बना दिया उन्हें जीवन की बहुमूल्यता और हर पल को संजोने के महत्व की याद दिला दी लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया एम्मा के दिल में बेचैनी की भावना घर करने लगी वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कुछ कमी है वास्तव में आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत है और फिर मानो उसकी मौन प्रार्थनाओं के उत्तर में उसने बाढ़ के दूसरी ओर से अपना नाम पुकारते हुए एक आवाज सुनी एम्मा क्या वह तुम हो एम्मा ने मुड़कर देखा श्रीमती जॉनसन जो अगले दरवाजे पर उनकी पड़ोसी थी अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ बाड़ पर झुक रही थी हेलो श्रीमती जॉनसन एम्मा ने मुस्कुराहट लौटाते हुए कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ श्रीमती जॉनसन एक पल के लिए झिझकी जैसे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि विषय को कैसे उठाया जाए आखिरकार उसने कहा मैं यह नोटिस किए बिना नहीं रह सकी कि इधर उधर चीजें हाल ही में अलग अलग नजर आ रही हैं। क्या सब कुछ ठीक है एम्मा की मुस्कान एक पल के लिए लड़खड़ा गई क्योंकि उसने सोचा कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए वह श्रीमती जॉनसन पर उनके हालिया संघर्षों के विवरण का बोझ नहीं डालना चाहती थी लेकिन वह उनसे झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, उसने सावधानी से कहा अपने शब्दों को सटीकता से चुनते हुए लेकिन हम अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन की बदौलत उन पर काबू पा रहे हैं श्रीमती जॉनसन ने सिर हिलाया उनकी अभिव्यक्ति समझ से भरी थी मुझे यह सुनकर खुशी हुई उसने कहा लेकिन अगर आपको कभी भी बात करने के लिए किसी की जरूरत हो तो आप जानते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढना है एम्मा ने उसे धन्यवाद दिया उसकी दयालुता के लिए आभारी रही और श्रीमती जॉनसन को अपने घर वापस जाते हुए देखा जैसे ही वह दृश्य से ओझल हुई एम्मा को अपने ऊपर कृतज्ञता की भावना महसूस हुई जिसने उसे जरूरत के समय में समुदाय और कनेक्शन के महत्व की याद दिलाई उद्देश्य की एक नई भावना के साथ एम्मा ने अपना ध्यान लिली की ओर लौटाया और साथ में बिताए गए समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी उन्होंने दोपहर का बाकी समय खेल खेलने और पिछवाड़े में घूमने में बिताया उनकी हंसी से वातावरण खुशी और खुशी से भर गया लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सूरज डूबने लगा एम्मा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि अभी भी कुछ कमी है वास्तव में आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत है और फिर मानो भाग्य से उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी उत्सुकतावश एम्मा सामने के दरवाजे की ओर बढ़ी और, और दरवाजा खोला तो सैमुअल को बरामदे पर खड़ा पाया उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आँखों में चमक थी सैमुअल एम्मा ने कहा उसका आश्चर्य उसकी आवाज में स्पष्ट था आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सैमुअल हंसा, उसकी हंसी गर्मजोशी भरी और आकर्षक थी उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मैं रुकूंगा और देखूंगा कि आप कैसा कर रहे हैं जब से हमने आखिरी बार बात की थी तब से काफी समय हो गया है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है जब एम्मा ने सैमुअल को अंदर आमंत्रित किया तो उसके मन में कृतज्ञता की भावना उमड़ पड़ी अपनी पहली मुलाकात के बाद से वह अक्सर उसके बारे में सोचती थी सोचती थी कि उस रहस्यमय अजनबी का क्या हुआ जिसने उनकी जरूरत के समय में उनकी मदद की थी जैसे ही वे लिविंग रूम में बैठे एम्मा ने सैमुअल के लिए चाय का कप डाला और वे आपस में मिलने जुलने लगे कहानियाँ साझा करने लगे और हंसने लगे जैसे कि वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। एम्मा ने खुद को सैमुअल के सामने इस तरह से खुलते हुए पाया जैसे उसने किसी और के साथ नहीं किया था उसने उसे अपने हाल के संघर्षों और उस शांति की नई भावना के बारे में बताया जो आंखों वाले लड़के को उनके जीवन से निकालने के बाद से उनमें आई थी सैमुअल ने ध्यान से सुना उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी और उसने उसके शब्दों को आत्मसात कर लिया जब वह समाप्त कर चुकी तो वह आगे की ओर झुका उसकी आँखें उस पर इतनी तीव्रता से टिकी कि उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई आप बहुत आगे आ गए हैं। उन्होंने आखिरकार कहा उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी लेकिन अभी भी काम किया जाना बाकी है सैमुअल की बात सुनकर एम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा उसे लग रहा था कि वह कुछ जानता है कुछ ऐसा जो अंत उन्हें अतीत को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है आपका क्या मतलब है उसने पूछा उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी सैमुअल मुस्कुराया उसकी आंखों में चमक थी उन्होंने कहा एक कारण है कि वह बिना आंखों वाला लड़का आपके घर की ओर आकर्षित हुआ एक कारण जो चीजों की सतह से परे सामान्य के दायरे से परे जाता है सैमुअल के शब्दों से एम्मा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई उसे हमेशा संदेह था कि उस बिना आंख वाले लड़के की उपस्थिति में नजर से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ था लेकिन वह कभी भी अपनी उंगली यह नहीं बता पाई थी कि वह वास्तव में क्या था आपका क्या मतलब है उसने फिर पूछा उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी सैमुअल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी उन्होंने कहा आपका घर शक्ति का स्थान है एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला है जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाएं एक साथ धुंधली हो जाती हैं। सैमुल की बात सुनकर एम्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि उनका घर एक साधारण घर के अलावा कुछ और हो सकता है रहने और अपने परिवार को पालने की जगह लेकिन हम क्यों उसने पूछा उसकी आवाज भ्रम से भर गई हमारा घर क्यों सैमुअल ने कंधे उचकाए उसके होठों के कोनों पर एक रहस्यमी मुस्कान तैर रही थी उन्होंने कहा कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक कारण के लिए चुना गया था जिसे पूरा करना आपकी नियति है जब एम्मा सैमुअल की बातों पर विचार कर रही थी तो उसके दिमाग में संभावनाएं घूमने लगी उसे हमेशा अपने घर से जुड़ाव महसूस होता था एक ऐसा जुड़ाव जो इमारत की भौतिक सीमाओं से परे था हम क्या करते हैं? आखिरकार उसने पूछा उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भर गई। सैमुअल ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया उसका स्पर्श गर्म और आश्वस्त करने वाला था उन्होंने कहा आपको अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए आपको उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए जो आपके भीतर सुप्त है और इसका उपयोग दुनिया में संतुलन लाने के लिए करना चाहिए सैमुएल के शब्दों से एम्मा को ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी वह जानती थी कि उसके सामने चुनौतियों और बाधाओं से भरी एक लंबी यात्रा है लेकिन अगर इसका मतलब अपने भाग्य को पूरा करना है तो वह उनका डट कर सामना करने के लिए तैयार थी धन्यवाद सैमुअल उसने कहा उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी हर चीज के लिए धन्यवाद सैमुअल मुस्कुराया उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी आपका स्वागत है उन्होंने कहा और याद रखना अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा यहाँ रहूँगा जैसे ही सैमुअल दरवाजे की ओर बढ़ा एम्मा अपने भीतर उत्साह की भावना पैदा होने से खुद को रोक नहीं सकी उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा लेकिन वह जानती थी कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार थी यह जानते हुए कि उसके पास उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति थी जैसे ही उसने सैमुअल को रास्ते से गायब होते देखा एम्मा को आशा की एक नई भावना महसूस हुई जिससे उसका दिल खुशी और प्रत्याशा से भर गया वह जानती थी कि यह केवल उसकी यात्रा की शुरुआत थी लेकिन वह इसे खुली बाहों से स्वीकार करने के लिए तैयार थी यह जानते हुए कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी था समाप्त इस ठंडी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद अगर आपको भूतों की खोज और बहुत कुछ अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जल्द ही फिर मिलेंगे